आदत कैसे पड़ी आपको नशे की? किसको? आपको नशे की आदत कैसे पड़ी? हमारे घर में ना हिंदुस्तान से शायर आते थे, अब्बा शायर थे मेरे। अब मेरे वालिद शायर थे, हिंदुस्तान से है ना बहुत सारे शायर आते थे और आके मेरे घर में ठहरते थे। वो क्या करते थे शायर जितने भी थे, वो क्या करते थे कि दाल जो है ना दाल वो भी पैमाने में डाल के पीते थे और फिर साले आधे घंटे के बाद मेरे बाप को बोलते थे कि ये जो दाल है ना ये 12 साल पुरानी है। तो 12 साल पुरानी है। सिगरेट से खांसी होती है। तुम्हारे मेरे बीच में एक बात है, ये बाल इतने सफेद कैसे हो गए? फैमिली प्लानिंग किसे कहते हैं? पहला सवाल है जो आपने अच्छा सवाल किया है। अगर तेरे माँ बाप फैमिली प्लानिंग कर लेते तो आज मेरा मेहमान कोई नॉर्मल इंसान होता। ये तो चिड़ है, ये तो लग रहा है तुम चिड़ गए हो, ये तुम्हारा चिड़चिड़ापन जाहिर हो रहा है। ये तो तुम लुगत वाले मतलब बता रहे हो। फैमिली प्लानिंग का असल मतलब क्या है? व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ फैमिली प्लानिंग? नहीं पता मुझे। नहीं पता? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, अगर हालात खराब हों तो ऐसा प्लान बनाओ जिसमें फैमिली को पहले बाहर निकाल दो और फिर खुद बाहर निकल जाओ। इसको कहते हैं फैमिली प्लानिंग। ओके, आप देख सकते हो पता नहीं किस तरह की बातें करती हो, किस किस्म की हरकतें। जबान भी लड़खड़ा रही है आपकी। मेरा ख्याल है आपके पास सवाल खत्म हो गए, इसलिए आप फालतू बातें शुरू कर। मैं आपसे क्या सवाल करूं? शादी कब की आपने? शादी ये तो याद नहीं, उस दिन हड़ताल थी। हैदरी के गलत शादी हाल में 4 घंटे तक बैठे रहे। वो तो 4 घंटे के बाद दुल्हन के अब्बा ने लड्डू खिलाने के लिए शहर उठा के लगा, ओए ये कौन है भाई? तो मैं निकल के भागा वहां से। 4 घंटे तक किसी ने पहचाना नहीं कि बारात गलत आ गई है। लाइट गई भी थी भाई उस इलाके में, और उस इलाके में जब लाइट चली जाती है कोई किसी को नहीं पहचानता, इसलिए कि सारे की शक्लें एक जैसी होती है, टोन भी एक जैसा होता है। आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, अभी 3 मिनट बाकी हैं, अगर गुसल खाने जाना है तो होके आ जाओ, मैं इंतजार कर लेता हूँ। अलिफ से लेके ये तक क्या बोलते हैं उर्दू में उसको? अलिफ बे पे जी। हाँ, उसमें खाली शीन उनको पसंद था। मैं समझा नहीं जी। तुम कैसे समझोगे यार, मैंने तुम्हें बताया अभी। नहीं बताया ना तो तुम बीच में नहीं बोलो, जब मैं बताऊंगा तब तुम्हारी समझ में आएगा कि क्या बोल रहा था मैं। आपके अब्बा को शीन पसंद था? हाँ, मेरे अब्बा को शीन पसंद था। शराब, शबाब, शादी, शब, शतरंज, आखिर में एक्चुअली जितनी उनके दीवान थे ना उतनी उन्होंने शादियां की। एक मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या है? नहीं मालूम। सोचो अंकल, सोचो पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या है? नहीं मालूम। मैं बता दूं, इलेक्शन से पहले होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें सारे पॉलिटिशियंस अपनी अपनी गाड़ियों में आते हैं और रात गए जब वो वापस अपने घर जाने लगते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं, एक्सक्यूज मी यार, तुम मुझे छोड़ सकते हो? कैन यू ड्रॉप मी? साले खुद अपना ख्याल नहीं रख सकते तो ये मुल्क कौम का क्या ख्याल रखेंगे?
पाकिस्तान से कभी बाहर गए? हाँ गया, इस्लामाबाद गया था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पाकिस्तान से बाहर गए? हाँ भाई, तो पाकिस्तान से बाहर ही तो गया था, इस्लामाबाद गया था ना, कह रहा हूँ ना मैं। क्या मतलब? एक बात बताओ, इस्लामाबाद में चोरी होती है? नहीं। इस्लामाबाद में डकैती होती है? नहीं। इस्लामाबाद में बिजली जाती है? नहीं। इस्लामाबाद में गटर उबलते हैं? नहीं। तो पाकिस्तान में कैसे हुआ भाई, पकड़ लिया ना मैंने? बिल्कुल जी। अब एक मिनट बाकी रहे। अच्छा, एक बात सुने जी, इतना सवाल करे ना आपने। जी जी अनुभाई, एक सवाल मैं करता हूँ आपसे। जी ये आपको लिख के कौन देता, सच सच बताना। एक सेकंड रह गया जी। लोमड़ी क्या मतलब? चला बताया नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, वक्त पूरा हो गया मेरा। अच्छा चलो, वक्त अगर पूरा हो गया ना, हाँ, तो एक काम करते हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट खेलते हैं। गवर्नमेंट गवर्नमेंट कैसे खेलेंगे? देखो ना, गवर्नमेंट ने एक घंटा घड़ी आगे कर दी थी ना जी, हम एक घंटा घड़ी पीछे कर देते हैं। कैसा रहा आइडिया? ये आइडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और हमारी मत नहीं मारी गई है कि हम मुलाजमत करें। फिर क्या करते हैं आप? वही जो सब करते हैं, सेम टू सेम। अरे भाई क्या करते हैं सेम टू सेम? तब रहे हो तुम, ये तुम्हारे अंदाज से लग रहा है कि तुम आपे से अब बाहर होने वाले हो। भाई कह दिया ना, वही करते हैं जो सब करते हैं, सेम टू सेम। तो भाई दूसरे क्या करते हैं? अबे तो दूसरे के फटे में मैं क्यों टांग अड़ाऊं, मुझे क्या पता कि दूसरे क्या करते हैं, ये उनसे जाके पूछोगे वो क्या करते हैं। कोई गलत काम करते? अब देखो ना, एक माकूल सवाल करने के लिए कितनी लंबी तमीज बांधी तुमने। किस किस्म का गलत काम करते? छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। किस किस्म का बिजनेस है? किस किस्म के बिजनेस करते हैं? असल में हमने एक मेडिकल स्टोर खोला है, उसका नाम रखा है मेडिसन स्क्वायर। उस मेडिसन स्क्वायर की वजह से हम 16 डॉक्टरों को पाल रहे हैं। आपके घर 16 डॉक्टर्स रहते हैं? वो 16 डॉक्टर्स अपने घर पर रहते हैं, उनमें से एक भी इस काबिल नहीं है जिसको अपने घर पर रखा जाए। तो 16 डॉक्टरों को आप पाल किस तरह रहे फिर? नहीं, असल में इसका एक लॉजिक है। अब ये जो 16 डॉक्टर हैं, इनके पास मरीज जाता है, वो तशखीस करके एक प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं कि भाई ये दवा सिर्फ आपको मेडिसिन स्क्वायर से मिलेगी। अब वो आते हैं हमारे पास, हम उस पर्चे की एक कॉपी रख लेते हैं, दवा दे देते हैं, शाम को हिसाब किताब होता है और उसमें से फी मरीज 25% उन डॉक्टरों को दे देते हैं। ये काम किस तरह कर रहे हैं आप लोग, डॉक्टर और आप मिलकर? ये इसी, देखिए असल में ये काम नहीं है, ये हमारी मिली भगत है। मिली नहीं, मिली भगत। ज्यादा प्रोफेसर बनने की जरूरत नहीं है, मिली भगत। भाई मिली नहीं होता, मिली भगत होता है। तजर्बा मेरा है या आपका इस काम में? किसका तजर्बा है? तेरा है। जब जब तेरा तजर्बा है तो तू ही बताएगा ना जी, तो तू क्यों बोल रहा है?